हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यूक्मेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड थ्री के जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ये रूट अंडर एट एंड देन अगेन ये कंटिन्यू 57, फिर रूट के अंदर 38, फिर रूट है 108, फिर रूट दिया हुआ 169। तो ऐसे क्वेश्चंस ये आए हुए क्वेश्चंस है और आते भी है ऐसे क्वेश्चंस। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, एक तो प्रोसेस करना कहाँ से है, इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ से करेंगे। तो अब इस क्वेश्चंस को जितना फास्ट करोगे, अब 10 सेकंड के कम से कम 10 सेकंड तो लगेगा आप फास्ट अगर कैलकुलेट करके आंसर को निकालते हो। बट मैं आपको विद इन सेकेंड आंसर कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, उससे पहले भी आपको ऑप्शंस एक बार चेक कर लेना है कि ऑप्शंस में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये राउंड फिगर है या नहीं। तो ये चारों राउंड फिगर ही है ना, ये चारों राउंड फिगर। तो अब आपको टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 8, और इस वाले नंबर को देखोगे, बस इसको और इसको देखोगे आंसर निकाल लोगे। तो ये क्या दिया हुआ है, 57, ये कितने का नियरेस्ट होता है, तो ये होगा आपका 8 स्क्वायर अगर करोगे 64, 7 स्क्वायर करोगे तो 49, बट 49 से ये ज़्यादा है तो 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ही आएगा, और 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, और रूट लगा हुआ है तो रूट अंडर 16 क्या होता है आपको पता है, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बट मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे आया। तो यहाँ देखोगे, अब ये रूट अंडर है 169, तो रूट से क्या निकला, कितने का स्क्वायर होता है 169, 13 का, तो यहाँ से आ जाएगा 13। अब इस 13 को कहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे तो ये प्लस करते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 11, ये हो गया 112, और ये हो गया 1, यानी 121 कितने का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाहर, तो कितने का स्क्वायर होता है 11, तो ये हो गया 11, एंड देन इसको ऐड करेंगे तो 49, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 7, 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, और 64 से फिर बाहर निकालेंगे तो 8 प्लस 8 कितना होगा 16, आया ना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चंस को हम लोग अगर करना चाहें तो भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखोगे क्या है, 11 है, एंड देन यहाँ पे 5 है, सारे प्लस में है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम 4 निकाल सकते हो, तो 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा 5 प्लस 4 9, यानी 9 कितने का होता है 3, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट, चेक कर सकते हो। अब यहाँ से निकलेगा कितना आपका 7, 7 को यहाँ ऐड करोगे तो 36, 36 से पैर क्या निकलेगा 6, 6 यहाँ ऐड करोगे तो 25, 25 से क्या आएगा 5, एंड देन 5 को ऐड करोगे तो 16, और 16 से क्या आएगा 4, और 4 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 9, और ये आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ दिया हुआ क्या कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन आपको फाइंड करना है ए प्लस सी डिवाइड बाई बी इज, ठीक है, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये देख के तो बड़ा लग रहा है, बट विद इन सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जब भी आपको याद रखोगे दिस इक्वल्स टू दिस, यानी अब ये एक पार्ट आपको गिवन है और दूसरा पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल है जैसे ए बी एंड देन सी बी है, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ वैल्यू को एज्यूम करना है जो दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग ए बी एंड देन सी 1 1 1 ले लें, अब चेक करोगे 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, अगेन यहाँ पे पुट करोगे सी के वैल्यू भी 1, यानी 1 स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, इस साइड 3 आया। अब इस साइड भी 3 अगर आ जाए तो ये सेटिस्फाइड है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तीनों क्या है प्लस है, यानी 3 3 इज इक्वल्स टू 3। तो बस अब ये एज्यूम किए थे जो ए बी सी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पुट कर दोगे आंसर आ गया, ये 1 प्लस 1, ये 2 डिवाइड बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखोगे, अब ये प्लस भी दिया हुआ है 1, एंड देन फाइंड द इतना बड़ा सब वैल्यू पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या करोगे, आप स्किप करोगे, विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ दिया हुआ है क्या, अब ए को एज्यूम कर लेते हैं 1, एंड देन बी इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 0 करोगे तो 1 ही आएगा, है ना, 1 प्लस 0 करोगे तो ये 1 के बराबर है, दोनों इक्वल है। तो बस अब ए के प्लेस में 1 रखोगे, बी के प्लेस में 0 पुट करोगे, आंसर आ गया, ये हो गया 1, क्यूब करोगे 1, एंड देन ये हो गया आपका 0, नहीं लिखेंगे, ये 0 से इंटू करोगे 1 को, ये भी 0 होगा, एंड देन ये माइनस, एंड देन 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, एंड देन ये हो गया 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर 1 आएगा, ये 1 माइनस 1 करोगे तो आंसर हो गया आपका 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ इफ
एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपका इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू को एज्यूम करेंगे दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। बट ये भी याद रखना है कि डिनोमिनेटर पार्ट आपको जीरो नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं और x का वैल्यू 1 लेते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, तो ऐसे आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू रखना है जो नीचे जीरो ना हो, ठीक है। तो यहाँ है 2, तो एक काम करते हैं हम लोग, अगर x इक्वल्स टू 3 ले लें और इसको अगर 2 ले लें तो 2 जा 4, तो इसको 4 बनाने के लिए 3 + 1 देखते हैं, ये 1 ले लेते हैं, तो 3 + 1 क्या हुआ, यहाँ तक 4 हुआ। अब इसको अगर हम लोग a का वैल्यू 2 ले लें तो 2 जा 4, अब चेक करके देखो कि यहाँ पे a है, तो a का हम लोग क्या लिए हैं 2, तो 3 से 2 गया तो ये 0 नहीं आएगा, 2 से ये भी जाएगा तो 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये सेटिस्फाइड है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे a का 2 यानी ऊपर हो गया 2 एंड देन डिवाइड बाई x माइनस a, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 एंड देन प्लस a हो गया आपका 2 एंड देन डिवाइड बाई y माइनस a, y हो गया आपका 1 एंड देन 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1, सो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इफ x प्लस 1 बाई x दैट इज इक्वल्स टू 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जब भी प्लस में हो याद रखना यहाँ प्लस है, और ये अगर रेसिप्रोकल में है यहाँ भी रेसिप्रोकल में है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर में फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर करना है और माइनस 2 कर दोगे आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 169, माइनस 2 करोगे तो 167। इस तरह क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और आपके जो ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ भी आने के चांसेस है, और इस तरह के अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ठीक है। तब इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया 167, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो अब ये कैसे आया, तो यहाँ देखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन ये रेसिप्रोकल है कैंसिल होगा, यहाँ का 2 उस साइड जाएगा माइनस होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ क्या, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे वैल्यू को एज्यूम करोगे आप कि बोथ साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वहीं आप पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं और वाई का वैल्यू 1 लेते हैं, स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 + 1 1 एंड देन 1 + 1 करोगे तो ये हो जाएगा 2 एंड देन प्लस 1 by 1 1 by 1 यानी 1 ही आएगा तो 1 + 1 ये हो गया अगेन 2, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, तो दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, है ना। तो x का वैल्यू मिला 1 एंड देन y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पुट कर दोगे आंसर आ गया 1 का स्क्वायर करोगे 1 अगेन प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 + 1 हो गया आपका 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब ये तीन पार्ट अलग अलग दिया हुआ है, तो ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है एक्स वाई जेड का जो तीनों पार्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं, अगर हम लोग क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और यहाँ पे दो वेरिएबल को प्लस किया हुआ है, सेम एक वेरिएबल स्क्वायर है दूसरा प्लस है, तो ऐसा क्या वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 + 1 करेंगे तो 2, 1 इक्वल टू 2 तो होगा नहीं, तो 2 लेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखोगे आप 2 का स्क्वायर 4 ही होगा और 2 + 2 ये हो गया आपका 4, है ना, तो 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो सारे का वैल्यू 2 2 ले लो आप, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 2, यानी सबका वैल्यू आप 2 ले लो, आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इक्वल होंगे। तो अब ये आंसर हो जाएगा 1 by 2 + 1 यानी 1/3 एंड देन प्लस 1 by 2 + 1 1/3 एंड देन प्लस 1 by 2 + 1 ये 1/3। अब एलसीएम क्या है, 3 है, 1 + 1 + 1 यानी 3/3 इज इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ मैंने बताया था इस तरह क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू को एज्यूम करना है जो क्या हो जाए, दोनों साइड इक्वल हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे, तो ये 2 अगर लेते हैं, 1 लोगे तो ये हो गया 2 और ये आने वाला नहीं है, है ना। तो ये आप अगर 2 ले लो तो 2 लेने से आएगा क्या, चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 करोगे तो ये हो जाएगा 8 एंड देन माइनस 4 2 जा 8
एंड देन माइनस 4 to z और प्लस 8, हाँ ये आ गया, ठीक है, जीरो आया, ठीक है, बोथ साइड इक्वल। सो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 2, अब यहाँ पुट कर दोगे आंसर आ गया 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया आंसर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और देन आपसे पूछ क्या रहा है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखोगे अब यहाँ पे प्लस है तो आपको करना क्या है, तो फर्स्ट टाइम अगर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट फिर स्क्वायर करोगे तब ये मिल जाएगा, यानी दो बार स्क्वायर करना होगा। तो जब प्लस होगा तो मैंने क्या बताया था, 2 माइनस करना है, तो 5 का स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 5 स्क्वायर हो गया आपका 25, से 2 माइनस करोगे तो ये हो गया 23, तो ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बट अब चाहिए कितना, पावर 4, तो फिर अगेन स्क्वायर करोगे तो यानी 23 का स्क्वायर कर दो और माइनस 2 कर दोगे तो आंसर आ गया। तो 23 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 529 एंड देन माइनस 2 करोगे तो 527, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 527 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाया, जो अभी ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।